डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को साध्वी के साथ यौन शोषण करने के मामले में जैसे ही पंचकुला की कोर्ट ने दोषी करार दिया, उस दौरान उनके गुंडे भड़क गए और पूरे हरियाणा में उपद्रव मचाना और आगजनी करना शुरू कर दिया। दरअसल हम राम रहीम के समर्थकों को गुंडा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हरियाणा समेत दिल्ली में उन्होंने आगजनी जैसा घिनौना काम जो किया है वो एक गुंडे ही कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि हरियाणा से सटा सहारनपुर से लेकर जो ट्रेन हरियाणा पंजाब जाने थी उनको सहारनपुर में ही रोक लिया गया। इन ट्रेनों के रुक जाने से इनमें सवार हजारों यात्रियों की यात्रा यहीं आकर ठप हो गई, जिसके बाद उनको यहाँ सहारनपुर के स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्रियों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम साहिब है। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ बेतिया जिला से। कहाँ जाना है आपको? जाना है ट्रेन। कितने टाइम से आप यहाँ? मैं 12 बजे से आया हूँ। क्या क्या परेशानी हो रही है? हाँ बोल रहे लोग सारी ट्रेनें रद्द हो गई यहाँ आने में, हम लोग परेशानी बहुत हो रहा है। कितने लोग हैं? फैमिली है या अकेले? नहीं हम लोग सिंगल कस्टमर थे। बहुत दिकदारी हो गया है यहाँ, वहाँ थोड़ा चंगा पता शुरू हो गया है। रेलवे कर्मचारी क्या बोल रहे हैं? रेलवे कर्मचारी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, कोई गाड़ी हम लोग का नहीं मिल रहा। खाने का है ना पीने का, कोई अपना पैसा ठिकाना नहीं है खाने पीने का। आपका नाम? मुकेश कुमार। आज ये प्रथम उपचार केंद्र खुला है, क्या कारण है? ये जो पंचकूला में जो डेढ़ का जो केस हुआ है उसके कारण जो है हमें एक प्राथमिक केंद्र लगाया गया है ताकि कोई अगर इनकेस कोई आधार बनाता है तो उससे पट्टी लगा। अब तो कोई मरीज आया आपके पास इस तरह का? अभी तक तो कोई नहीं आया। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं हूँ रजिस्टर्ड। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब यहीं पर हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर कमल। कितनी देर से गए हुए हैं? डॉक्टर सर अभी लगभग आधा घंटा। हाँ बदल खाना नहीं खाने का। क्या इस तरह डॉक्टर की लापरवाही से ही ऐसे उपचार होता रहेगा? अगर कोई यहाँ पर कोई घटना हो जाती है, किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में क्या करेंगे आप? डॉक्टर साहब आपके पास नहीं है? नहीं सर वो अभी 10 मिनट में आ जाएंगे ना, वो सच कर गए खाना खाने गए तो आ जाएंगे 10 मिनट। वहीं स्टेशन मास्टर का कहना था कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं इसलिए ट्रेनों को रोका गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्टेशन मास्टर का क्या कहना है। सहारनपुर से जो गुजरने वाली ट्रेन है मद्देनजर रखते हुए किस तरह का क्या व्यवस्था की है और कितनी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? अब तक लगभग ना 20 ट्रेन को जो यहाँ की कैंसिल की जा चुकी है। हरियाणा की जो हालात पैदा हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ना प्रशासन ने बड़ी शक्ति बरती है कि सबसे पहले तो हमें पैसेंजर सुरक्षा का ध्यान रखना है। जब तक हालात काबू नहीं होते हैं तब तक ना कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अभी तक कितनी ट्रेनें होंगी? लगभग अब तक 18 ट्रेनें लगभग शाम को से जो है कैसी ऑर्डर आगे कुछ भेजी भी जा रही है? गाड़ी भेजी जा रही है, जब फिर भी हमने चलाई है वाया मेरठ होकर लखनऊ जाती है। 50 वाला जो लखनऊ जाती है उसको हम चला रहे हैं। शताब्दी गाड़ी जो दिल्ली जाती है वो उसको हम चलाएंगे, लेकिन कोई भी गाड़ी हम पंजाब की तरफ नहीं चला पा रहे। जो यात्री हैं फिलहाल जो परेशान हैं उनके लिए क्या कुछ? उनके लिए यात्रियों के लिए अगर बस सेवा भी बंद है, हम लोग मजबूर हैं, उनके लिए खान की व्यवस्था यहाँ पूरी प्रबंध किया गया है। लाइटिंग व्यवस्था, पानी व्यवस्था है, जो भी हम सुविधाओं को दे सकते हैं। खाने की व्यवस्था का जो खाने की जो व्यवस्था की गई है वो किसके सौजन्य से की गई है? जैसे हमारे जो स्टॉल लगे हुए हैं ना, जो प्लेटफार्म में स्टॉल लगे हुए हैं, उनको हमने हिदायत दे दी है कि आप बाहर से भी ना जो सामान अपना मंगा के तैयार रखो, इससे ना किसी पहिए को कोई तकलीफ ना हो सके। इस स्थिति में अगर किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है उसके लिए हमने 4 नंबर कमरे में हमारा हमने अपना मेडिकल रेलवे की तरफ से मेडिकल की व्यवस्था की गई है। एक हमारा वहाँ कंपाउंडर एक बैठा हुआ है वो उसके लिए पूरी व्यवस्था।
एसपीएन 9 न्यूज के लिए सहारनपुर से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।